अरे भाई साहब, सुल्तान फिल्म आ रही है सलमान भाई की, आप कुछ बोलना चाहोगे? सलमान भाई ले। मैं भाई हो क्या बोला? कोई मैसेज देना चाहोगे? सलमान भाई, मिस्टर सलमान खान, हर साल तुम्हारी कोई ना कोई पिक्चर आती है जिसको हिंदुस्तान भर के लोग भाईजान करते हुए हाउसफुल कर देते हैं, और अक्सर तुम्हारी पिक्चर ईद के आसपास आती है, जैसे कि पिक्चर ना हो कोई मुबारक सी आइटम हो। फिल्म में तुम्हें देख के साफ पता लगता है कि तुम बहुत ही अच्छे बेटे, बहुत ही अच्छे भाई, बहुत ही पैशनेट और डिवोशनल लवर, बहुत ही अच्छे इंसान हो, बहुत ही कमाल के हिंदुस्तानी हो भाई। सुना ये भी है कि बॉम्बे में रहने वाले लोग, स्पेशली फिल्म इंडस्ट्री के लोग, तुमसे पंगा बिल्कुल नहीं लेते क्योंकि उन्हें तो फिल्मों में काम मिलना ही बंद हो जाता है। इसलिए भैया हम खुश है कि हम बॉम्बे से करीबन 1700 किलोमीटर दूर देहरादून में रहते हैं। हमें ये भी पता है कि हिंदुस्तान में इतने गधे भरे हुए हैं कि तुम चाहे अपनी गर्लफ्रेंड्स की पिटाई करो, राजस्थान में हिरन को हलाल करो, लाइसेंस के बगैर बंदूक लेके घूमो, दारू पी के गाड़ी चलाओ, बंदे मार दो, या 10 साल बाद अपने ड्राइवर से वो जुर्म कबूल करवाओ, या ये तो हद हो गई, अपने बुजुर्ग बाप से अपने कुकर्मों की माफी मंगवाओ। इन सब के बावजूद हम तुम्हारी पिक्चर देखने जरूर आएंगे। और तो और, हर कामयाब हिंदुस्तानी क्रिमिनल की तरह जिस तरीके से तुम्हारी हरकतें बद से बदतर होती जाएंगी, हम सारे गधे मिलकर तुम्हारी फिल्मों को और हिट करते जाएंगे। आदाब अर्ज़ है सलमान जी, ये तुम्हारी खुशनसीबी है कि तुम हिंदुस्तान में पैदा हुए, यहाँ पर ये सब चलता है, लेकिन इस बात का हमें अफसोस है। कुछ टिकटें मिस्टर खान लेकिन कम बिकेंगी। हमारी टिकटें? कुछ टिकटें कम बिकने से हो सकता है कि तुम एक रेप्ड औरत की तरह महसूस ना करो, लेकिन तुमको ये जरूर पता होना चाहिए कि तुम्हारे जो कुछ बचे कुचे फैंस थे यहाँ देहरादून में, अब वो भी नहीं रहे। ईद मुबारक मिस्टर खान।